साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل يا صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام لے کر حاضر ہیں صاحب مزار प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन दुरूद पाक की फजीलत सुन लेते हैं। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम है साहिब मजार। एक बार फिर हाजिर हुए हैं अल्लाह पाक के नेक बंदों के मजार की जियारत करवाने के लिए साहिब मजार की जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात शेयर करने के लिए। इसके अलावा और भी दीनी मालूमात हम आपको सिखाएंगे हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, तो कहीं जाइएगा नहीं और रहिएगा हमारे साथ इस प्रोग्राम के आखिर तक। तो चलते हैं अपने दोस्तों की तरफ जिनके साथ मिलकर प्लानिंग होगी कि आज हम किस मजार शरीफ पर जाएंगे। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। हसन भाई कहाँ रह गए? आते होंगे, रास्ते में होंगे, वो देखे आ गए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उजैर भाई और मुदस्सिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह पाक का करम है, आप बताएं आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी परफेक्ट हूँ। अच्छा ये बताएं आप में से कोई मजार के बारे में कुछ सोच कर आया है? नहीं नहीं मैं तो नहीं सोच कर आया, आज मैं सोच कर आया हूँ। और पहले मैं आपको एरिया का नाम बताता हूँ, फिर देखता हूँ कि आप में से कौन मजार शरीफ का नाम बताता है। तीन हट्टी। कहीं आप नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला के मजार के बारे में सोच कर तो नहीं आए? जी बिल्कुल, मैं टीम को बोल देता हूँ कि गाड़ी भी अरेंज कर दें। चलें चलें गाड़ी भी आ चुकी है। जी चलें। चलें चलें साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका सहाबिक अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह व अलैका सहाबिक नूरुल्लाह। प्यारे बच्चों हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह पाक के कई नेक बंदे गुजरे हैं जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को आम किया है और आज भी लोगों की दीनी और शरई रहनुमाई कर रहे हैं, जैसा कि अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहिब। इन हस्तियों ने अपने किरदार, बुजुर्गी और तालीम के जरिए बहुत से लोगों के दिलों में कलाम इलाही की शमाएं रोशन की। आज हम एक ऐसे ही अजीम बुजुर्ग हस्ती के मजार की जियारत करेंगे आपके पसंदीदा प्रोग्राम साहिब मजार में, जिनका नाम है हजरत सैयद नूर अली शाह अलमारूफ नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला। हजरत सैयद नूर अली शाह अलमारूफ नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला भी हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाहि तआला के करीबी दौर के बुजुर्गान दीन में से हैं। हजरत सैयद नूर अली शाह अलमारूफ नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला का मजार कराची सेंटर से तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर तीन हट्टी के इलाके में वाक़ है। तीन हट्टी एक जाना माना लैंड मार्क है कराची पाकिस्तान का। ये पुराना लालू खेत भी कहलाता है। ये इलाका एक सदी से ज्यादा अरसे से तिजारत का मरकज है। ये इलाका माशी तौर पर खुद कफील यानी सेल्फ सस्टेनेबल समझा जाता है। अब ये जगह लियाकताबाद टाउन के नाम से जानी जाती है, जिसे 1950 में पाकिस्तान के पहले वजीर आजम जनाब लियाकत अली खान ने आबाद किया था। हजरत सैयद नूर अली शाह अलमारूफ नूरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह मोहम्मद बिन कासिम फातेह सिंध के लश्कर के साथ दमिश्क से 92 हिजरी में बाबुल इस्लाम सिंध आए। आप रहमतुल्लाहि तआला का विसाल 5 मुहर्रम को जुमे के दिन हुआ। मुल्क भर से बहुत सारे लोग काबिल एहतराम रूहानी पेशवा को खराज अकीदत पेश करने मजार पर आते हैं। आज हम हजरत सैयद नूर अली शाह अलमारूफ नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला के मजार की जियारत भी करेंगे और उनके मजार पर पहुँच कर उनके हवाले से इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे और उनकी शान भी बयान करेंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजरी देने को है बच्चे हम तैयार।
तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था, आज हम आपको एक मजार शरीफ की ज्यारत करवाने वाले हैं जिनका नाम है हज़रत नूरी शबाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मजार शरीफ पर हाजिर हो चुके हैं और आपको यहाँ की ज्यारत भी करवाते हैं। प्यारे बच्चों, हम मजार शरीफ पर जा रहे हैं और कोशिश कीजिए कि दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं। सब मेरे साथ मिलकर पढ़िए, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदीनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर एक वुजू खाना भी बना हुआ है और यहाँ पर एक मस्जिद भी बनी हुई है जिसका नाम नूरी है। साहिबे मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें मजार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से खड़ा होना चाहिए। साहिबे मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। साहिबे मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी मजार शरीफ पर आए तो इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सैयदी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। और प्यारे बच्चों, मजार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से खड़ा होना है और फिर हमने दुरूद पाक पढ़ना है और सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगनी है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो भी मैंने कुरान पाक की तलावत की उसका सवाब साहिब मज़ार तक पहुँचा। और खुसूसी अपने अम्मी अब्बू के लिए दुआ करनी है क्योंकि किताबों में लिखा है कि वलियों के मज़ार के पास दुआ कबूल होती है। आए दुआ मांगते हैं। आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब मजार शरीफ से वापस जाएं तो इस तरह वापस जाएं कि साहिब मज़ार को पीट न हो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जब भी वापस जाने हो तो उसी तरह सलाम पेश करें जिस तरह आते वक्त किया था। आए दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साहिबे मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद दिलावर। मोहम्मद अदील। मेरा नाम सईद मोहम्मद उजारा सरातारी है। मैं किड्स मनी चैनल की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? जी जी पूछो। आप यहाँ करीब से आते हैं या कहीं दूर से आते हैं हाजिरी देने के लिए? नहीं, कराची से आया हूँ मैं, नाला स्टॉप से। करीब से आते हैं। करीब से आते हैं, लेकिन इलाका कौन सा है? याकताबाद 5 नंबर। अच्छा, ये बताएं कि आप कितने सालों से आने साहिब मज़ार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए? 2 साल। हाजिरी देने हम 10 से 12 साल से आ रहे हैं यहाँ माशाल्लाह। कोई ऐसी विश है जो हमारे नाज़रीन से आप शेयर करना चाहेंगे? भाई, हम यहाँ मन्नत मानते टिनट्टी बाबा पे, इंशाल्लाह जो मन्नत मानते हैं हमारी सारी मन्नतें माशाल्लाह पूरी होती है। जी सुभान अल्लाह। कुरान पाक किस नबी अलैहि सलाम पर नाज़िल हुआ? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आपने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। इस दुनिया में सबसे पहले कौन से नबी अलैहि सलाम तशरीफ लाए? इस दुनिया में सबसे पहले आदम अलैहि सलाम तशरीफ लाए, हजरत आदम। आपने कहा हजरत आदम अलैहि सलाम और आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि कुरान पाक में कितने पारे हैं? कुरान पाक में 30 पारे हैं। 30? आपने कहा कि कुरान पाक में 30 पारे हैं और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि आप मदनी चैनल के कौन कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं? सारे प्रोग्राम देखता हूँ माशाल्लाह, मदनी मुज़ाकरा तकरीबन सारे देखते और सबसे अच्छा मदनी मुज़ाकरा देखते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जाने जिसका नाम है मज़ार पर हाजिरी। साहिबे मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार।
प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट है मजार शरीफ पर हाजिरी देने के आदाब। प्यारे बच्चों, जब कभी अल्लाह पाक के नेक बंदों के मजार शरीफ पर हाजिरी देने का मौका मिले तो बिल्कुल अदब के साथ हाजिरी दीजिए। और मजार शरीफ पर हाजिरी देने के क्या क्या मैनर्स हैं, चले मैं बताता हूँ। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जब कभी अल्लाह पाक के नेक बंदों के मजार शरीफ पर हाजिरी दें तो साहिब मजार के कदमों की तरफ से मजार शरीफ में दाखिल हों और अपना चेहरा साहिब मजार के चेहरे की तरफ कर लें। और हाँ बच्चों, मजार शरीफ से तकरीबन 4 हाथ यानी 2 गज के फासले से खड़े हो जाएं और फिर बिल्कुल नॉर्मल आवाज में इस तरह सलाम पेश करें, अस्सलामु अलैका या सय्यदी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर प्यारे बच्चों, आपने दुरूद पाक पढ़ना है और फिर सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास पढ़नी है और फिर आयतुल कुर्सी पढ़नी है और फिर दोबारा दुरूद पाक पढ़ना है और फिर अल्लाह पाक से इस तरह दुआ मांगनी है कि ए मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो मैंने कुरान पाक की तिलावत की उसका सवाब साहिब मजार तक पहुंचा दे। फिर आपके दिल में जो भी अच्छी अच्छी दुआएं हो वह आप अल्लाह पाक से मांगे, स्पेशली अपने अम्मी अब्बू के लिए। किताबों में लिखा है कि अल्लाह पाक के वलियों के मजार शरीफ के पास दुआ कबूल होती है। चाहे तो इशारे से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। और प्यारे बच्चों, जब मजार शरीफ से वापस आ रहे हो तो इस तरह वापस आए कि साहिब मजार को पेट ना हो और फिर उसी तरह सलाम पेश करें जिस तरह आते वक्त सलाम पेश किया था। सल्लु अलैल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है साहिब मजार की शान, और वो करेंगे हमारे मुदस्सिर भाई और हसन भाई। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर है साहिब मजार। इसमें एक सेगमेंट शामिल किया है जिसका नाम है साहिब मजार की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हजरत सैयद नूर अली शाह अल मारूफ नूरी बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत पुराने बुजुर्ग हैं, और अगर हम सालों को काउंट करें तो मालूम होता है कि हजरत नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह तकरीबन 1350 साल पुराने बुजुर्ग हैं। कई सौ सालों से आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह हमारे प्यारे शहर कराची को और अपने चाहने वालों को फैजान पहुँचा रहे हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह आले रसूल हैं। एक बड़ी तादाद है जिनका आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मजार पर आना जाना लगा रहता है। मुसीबत ज्यादा लोग आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वसीले से अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो उनकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, बीमार लोगों की बीमारियां भी साहिब मजार की बारगाह में हाजिरी की बरकत से दूर होती हैं। इसके अलावा साहिब मजार की एक बहुत ही खास बात यह है कि जिन पर जिन्नात आ जाते हैं या जिन पर असरात होते हैं वो भी साहिब मजार की बारगाह में हाजिरी देकर जिन्नात और असरात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और बहुत से लोगों ने साहिब मजार की बारगाह में आकर जिन्नात और असरात से खुद को छुड़ाया है। चलिए बच्चों, अब हम साहिब मजार की सीरत के बारे में कुछ बातें जानते हैं मुदस्सिर भाई से। प्यारे बच्चों, नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सैयद नूर अली शाह है और इनके वालिद का नाम सैयद अब्दुल्ला है। नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह 92 हिजरी और 712 ईस्वी साल में मोहम्मद बिन कासिम के ग्रुप के साथ दमिश्क से सिंध तशरीफ लाए और फिर यहाँ एक जंग में शरीक हुए, और एक साल के बाद जुमा के दिन 5 मुहर्रम 93 हिजरी और 713 ईस्वी साल में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को शहीद कर दिया गया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार कराची के इलाके 3 हट्टी में है। नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक 3, 4, और 5 मुहर्रम शरीफ को मनाया जाता है। अल्लाह पाक नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदके में हमारी, हमारे नाजरीन और तमाम मुसलमानों की जायज मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बच्चों से सवालात। साहिब मजार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुज़ैफ़ा। मोहम्मद उस्मान फ़हीम। मोहम्मद अनस। मोहम्मद अफनान अहमद अत्तारी। मेरा नाम सैयद उज़ैर है, आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, क्या आपकी इजाज़त है? जी जी। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर हुसैन रज़ा अत्तारी है, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आया हूँ, आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है?
जी। मेरा आपसे ये सवाल है कि साहिब मज़ार का नाम बताएं। सैयद नूर अली शाह। सैयद नूर अली शाह। आपने जवाब दिया सैयद नूर अली शाह बाबा, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार का नाम बताएं। सैयद नूर अली शाह बाबा। सैयद नूर अली शाह। आपने जवाब दिया सैयद नूर अली शाह और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार का नाम बताएं। सैयद नूर अली शाह बाबा। सैयद नूर अली शाह बाबा। आपने कहा सैयद नूर अली शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नूर शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस नाम से मशहूर हैं? नूरी शाह बाबा। नूरी शाह बाबा। आपने जवाब दिया नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस नाम से मशहूर हैं? नूरी शाह बाबा। नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह। जी, आपका दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस नाम से मशहूर हैं? नूरी शाह बाबा। नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि अलैह। आपने कहा नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस शहर से सिंध तशरीफ लाए थे? दमिश्क। दमिश्क। आपने जवाब दिया दमिश्क, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह किस शहर से सिंध तशरीफ लाए थे? दमिश्क। दमिश्क। जी, आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। नूरी शाह बाबा किस शहर से सिंध तशरीफ लाए थे? दमिश्क। दमिश्क। आपने कहा दमिश्क, आपका जवाब दुरुस्त है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि नूरी शाह बाबा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कौन से हिजरी साल में सिंध तशरीफ लाए थे? सन हिजरी 92। सन 92 हिजरी। आपने जवाब दिया सन 92 हिजरी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कौन से हिजरी साल में सिंध तशरीफ लाए थे? सन 92 हिजरी। सन 92 हिजरी। माशाल्लाह, आपने ये भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कौन से हिजरी साल में सिंध तशरीफ लाए थे? सन 92 हिजरी में। 92 हिजरी। आपने कहा 92 हिजरी और आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। साहिब मज़ार का उर्स किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? मुहर्रम शरीफ में। मुहर्रम शरीफ में। जी, आपने जवाब दिया मुहर्रम शरीफ और आपका जवाब दुरुस्त है। साहिब मज़ार का उर्स किस इस्लामी महीने में मनाया जाता है? मुहर्रम शरीफ में। मुहर्रम शरीफ में। मुहर्रम शरीफ में। आपने कहा मुहर्रम शरीफ में और आपका जवाब दुरुस्त है। माशा अल्लाह, आपने सारे सवालात के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है अच्छे काम, और ये करेंगे हमारे उजैर भाई। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है अच्छे काम और मैं आपको अच्छे काम के बारे में बताऊंगा। यार बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी सुन्नत के बारे में सुनेंगे, और वो सुन्नत है बन्ना सवरना। जी हाँ, बन्ना सवरना भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। एक मरतबा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने मुबारक घर से बाहर तशरीफ लाने का इरादा फरमाया तो अपने अमामा शरीफ और बाल मुबारक को दुरुस्त फरमाया और आईने में अपना मुबारक चेहरा देखने लगे तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा कर रहे हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जी हाँ, अल्लाह पाक बंदे का बनना संवरना उस वक्त पसंद फरमाता है जब वो अपने भाइयों के पास जाने लगे। और बच्चों, हमारी डेली रूटीन में कई दफा ऐसा होता है कि हम अपने दोस्तों से, कजन वगैरह से मिलने के लिए जाते हैं और घर से निकलने से पहले बालों को भी सेट करते हैं, आईने में चेहरा भी देखते हैं। अगर हम उसी वक्त सुन्नत की नियत भी कर लें तो बच्चों इस सुन्नत का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है वापसी का सफर, माह की बातें। साहिब मज़ार की बारगाह में आज हाजिरी देने को है बच्चे हम तैयार। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, गर्मी भी बहुत है, आउटडोर शूट भी है, आपके लिए प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपने इस प्रोग्राम को देखना भी आखिर तक और इससे इन्फॉर्मेशन भी हासिल करनी है। जी मुदस्सिर भाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, वापसी का सफर है, बच्चों से पूछते हैं कि उन्हें आज का सफर कैसा लगा। जी कौन बताएगा पहले? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त और इन्फॉर्मेटिव सफर रहा। जी माशाल्लाह, और कौन?
اور صاحب مزار کی سیرت کے بارے میں ہمیں ہمارے ہوسٹ کے ذریعے سے معلومات بھی حاصل ہوئی۔ جی، اور کون بتانا چاہے گا؟ جی سانو بھائی، آپ۔ جی ماشاء اللہ، یان بھائی آپ کیا بتائیں گے؟ صاحب مزار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ان کے پاس کوئی کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ لے کر آئے، صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری کی برکت سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنات سے لوگوں کو نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کی برکتوں سے آزادی ملی ہے۔ جی اب کون بتائے گا؟ جی مدثر بھائی پوچھا ان سے۔ جی بالکل، انفارمیٹیو تو بہت تھا۔ جی ماشاء اللہ، جی بالکل انفارمیٹیو تو بہت تھا، اور آج کے سفر کی خاص بات یہ تھی کہ آج ہم نے تقریباً 1350 سال پرانے بزرگ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ جی جی، اور کوئی بتائے گا؟ جی مدثر بھائی۔ اور ہاں، آج تو ہمیں ہمارے ہوسٹ نے سنت بھی ایسی بتائی جو ہماری زندگی کا حصہ ہے اور اس پر ڈیلی عمل بھی کر سکتے ہیں۔ جی سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ سب کی دی ہوئی انفارمیشن بالکل درست ہے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارا آج کا سفر اختتام پر پہنچ رہا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج کی ہماری حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ ہم ملیں گے آپ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں نئے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے۔ جب تک دیجیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار، الحمدللہ۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار، ماشاءاللہ۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔